महाकाल की शाही सवारी। लेकिन ठहरिए, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कालों के काल महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ना निकले? तो अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। बाबा की सवारी तो निकलेगी, लेकिन उसे शाही नहीं कहा जाएगा, बल्कि राजसी सवारी बोला जाएगा। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, आखिर कहां से शुरू हुआ पूरा विवाद। उससे पहले आपको बताते हैं कि शाही सवारी का क्या महत्व है, क्या इतिहास है। हर साल सावन महीने में सोमवार को बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सावन के अलावा भादो महीने के दो सोमवार भी उनकी यात्रा निकलती है। भादो माह के दूसरे सोमवार को उनकी आखिरी और शाही यात्रा निकाली जाती है। ये एक भव्य यात्रा होती है जिसमें अलग अलग कलाकार संगीतकार शामिल होते हैं। चांदी के रथ में सवार होकर बाबा महाकाल पूरे शहर का भ्रमण करते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। उनके रथ को खूबसूरत फूलों से सजाया जाता है। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। पूरी नगरी बाबा महाकाल के जयकारों से गूंजती है। और महाकाल की सवारी का इतिहास करीब 1100 साल पुराना है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने महाकाल की सवारी की परंपरा को बहुत बड़े रूप में शुरू किया था और इस यात्रा में कई कलाकार और संगीतकार शामिल हुए थे। यहां तक कि मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर भी शामिल हुए थे। इसके बाद सिंधिया वंश के राजाओं ने इसे और अधिक भव्य बना दिया। उन्होंने नए रथ और हाथी शामिल किए। इसके बाद यात्रा ने भव्य रूप ले लिया। बाबा महाकाल की सवारी का बहुत महत्व है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु बाबा महाकाल को उनकी पसंद के भोग, फल, मिठाई और दूध भी अर्पित करते हैं। बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और महाकाल के नाम का जाप करते हैं। इस यात्रा के दौरान पूरी नगरी महाकाल के जयकारों से गूंजने लगती है। महाकाल की सवारी और शाही सवारी के लिए कई महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी और मंदिर समिति के सदस्य से लेकर श्रद्धालु काफी पहले से तैयारियों में जुट जाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां से आखिर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। बाबा महाकाल की सवारी से शाही शब्द हटेगा, अब इस सवारी को राजसी सवारी के नाम से जाना जाएगा। महाकाल की सवारी को शाही सवारी कहे जाने पर धर्माचार्यों की आपत्ति के बाद जनसंपर्क ने इसे राजसी सवारी नाम लिखा। अब नाम बदलने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी कर महाकाल की सवारी का नाम बदलकर राजसी सवारी नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि शाही शब्द को इस्लामिक बताते हुए धर्माचार्यों ने आक्रोश व्यक्त किया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मांग की गई कि शाही की जगह भव्य या तो फिर दिव्य शब्द का प्रयोग किया जाए। उसका नाम शाही सवारी नहीं होता, दिव्य शिव शोभा यात्रा ये उसका नाम रहता है, पर शाही वो अंदाज अब तक शाही अंदाज, अभी तक महादेव भी शाही निकल रहे हैं। देखो आप, क्योंकि ये गुलामी अभी तक हमारे दिमाग में घर कर चुकी है। अभी तक दिमाग गुलाम है। हम भले ही स्वतंत्र हो गए पर हमारे दिमाग की गुलामी नहीं गई है। हम नहीं कह सकते कि शाही सवारी नहीं, ये शिव की दिव्य शोभा यात्रा है। पर कहां कोई कहने को ही तैयार नहीं। महाकाल में भी शाही सवारी निकल रही, देखो आप, जो आस्था का केंद्र है। इसको पुरजोर बात बहुत छोटी सी है पर यहीं से शुरुआत करना पड़ेगी। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकाल की सवारी को राजसी सवारी कहकर संबोधित किया। उन्होंने महाकाल का बखान करते हुए सवारी में शामिल होने वालों का स्वागत किया। जय श्री महाकाल। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। ये सवारी नहीं है, बाबा का जनता के साथ सीधा सरोकार है। जनता के साथ, आम जनता के साथ, जनता को अपने दर्शन देते देते भगवान अपनी इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं और हम भी मनुष्य होने के नाते से इन चर्म चक्षुओं से उनको निहारने का बेसब्री से हमेशा इंतजार करते हैं। कालों के काल महाकाल इस दुनिया में सदैव सबका संहार करते हैं, संरक्षण करते हैं और सदैव जीने की ललक जगा करके जीवन के जन्म और मृत्यु के बीच काल के कपाल पर सबका समय नियत करते हुए हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो यही वजह है कि बाबा तो हमेशा की तरह अपने भक्तों को आशीर्वाद देने निकलेंगे ही, लेकिन उस सवारी को शाही नहीं राजसी कहा जाएगा।